खबर रायपुर से आपको बता दें, अब राशन कार्ड भी ऑनलाइन ही बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक राशन कार्ड ऑफलाइन बनाए जा रहे थे, लेकिन अब प्रवासी मजदूरों समेत दूसरे लोगों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई कहां करना है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। वो लिंक हम आपको बता रहे हैं khadi.gc.nic.in/rationcards/on-link में आप अप्लाई करें और आप अपना राशन कार्ड अब ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार से। सौरभ, एक बड़ा फैसला, अब राशन कार्ड के लिए हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि जो लोग जिनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड जो है ऑनलाइन के माध्यम से बनाया जा सकता है, और इसके लिए जो सरकार ने एक लिंक दिया है उसके माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक ये देखा जा रहा था कि राशन कार्ड जो है ऑफलाइन, अर्थात जो है उस पर फॉर्म भरने होते थे, फिर अपने आधार कार्ड और फोटो समेत और अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर आपके पास सुविधा है ऑनलाइन की तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन करना चाहते हैं। अर्थात लोगों के पास जो है दो तरीके के ऑप्शन है कि वो कौन से ऑप्शन जो है चूज करके अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी यही है कि प्रवासी मजदूर जो 2 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ में अभी आए हैं और लगभग 60 से 70 हजार और मजदूर आने, अर्थात 3 लाख के लगभग मजदूर, तो इन मजदूरों के लिए राशन कार्ड सरकार बनवा रही है। उसके अलावा सरकार जो है इन्हें 10 किलो जो है चावल और 1 किलो चना भी जो है निशुल्क देने जा रही है। तो ऐसे में सरकार ने कहा है कि अगर प्रवासी मजदूरों के अलावा अन्य व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बना सकते हैं। निश्चित रूप से अभी 62 लाख से ज्यादा एपीएल और बीपीएल कार्डधारी छत्तीसगढ़ में है, जिन्हें सरकार जो है 35 किलो जी शुक्रिया सौरभ पूरी जानकारी के लिए।